झारखंड उच्च न्यायालय ने पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार के शिक्षा मंत्री द्वारा किए गए तबादले के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें पूर्व शिक्षा मंत्री ने उच्च विद्यालय इंटरमीडिएट शिक्षकों के तबादले के आदेश पर रोक लगाई थी। न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए शिक्षकों के तबादले से संबंधित तत्कालीन शिक्षा मंत्री के आदेश को गलत करार देते हुए स्थापना समिति द्वारा जारी किए गए तबादले से संबंधित आदेश को सही ठहराया है। ये पूर्व शिक्षा मंत्री का वो आदेश था जिसने जिन आदेश को उसने हस्तक्षेप करते हुए जो स्थापना समिति थी जिसकी अध्यक्षता डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा ने की थी, उस पर उन्होंने उसको खारिज करते हुए जो टीचरों का स्थानांतरण था उस पर रोक लगाया था, उस ऑर्डर को खारिज किया है हाईकोर्ट ने। शिक्षकों के एक समूह द्वारा तत्कालीन शिक्षा मंत्री द्वारा जारी किए गए तबादले पर रोक लगाने के आदेश को चुनौती देते हुए झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गई थी। कहा गया था कि तबादले का अधिकार मंत्री को न होकर स्थापना समिति का होता है। बावजूद इसके तत्कालीन शिक्षा मंत्री द्वारा लगभग 225 इंटरमीडिएट शिक्षकों के तबादले में हस्तक्षेप किया गया था। कोर्ट ने यह माना है कि नियमावली के अनुसार रूल 20 के अनुसार वो समिति के पास ही पावर है और वो पावर को शिक्षा मंत्री उसको एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं और उस पर कोई भी अड़ंगा या हस्तक्षेप नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए उस ऑर्डर को कोर्ट ने खारिज किया। सर कितने शिक्षक जो हैं प्रभावित हुए हैं इससे? उस ऑर्डर से कम 225 शिक्षक प्रभावित होंगे। कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षकों के तबादले के आदेश पर लगी रोक अब रद्द हुई। अब शिक्षक विभागीय दिशा निर्देशों के आधार पर अपना तबादला करवा सकेंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से अंकुर की रिपोर्ट।